नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज पूरे प्रदेश में जो है सो चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग जगहों पर में जो है सो बहुत से संख्या में लोग आकर के एक साथ जुट करके जो है सो पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस पूजा के बारे में, अपने इस आयोजन के बारे में? देखिए, हर साल चित्र पूजा का आयोजन होता है, पटना के बहुत मोहल्लों में होता है। और चित्र समाज जो कि पटना का एक बहुत बड़ा संस्था है, पटना के बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा संस्था है, और इसमें सबसे ज़्यादा पटना में बहुत ही ज़्यादा भव्य ढंग से आयोजन किया जाता है। और क्योंकि हमारे पटना में आप लोग सभी जानते हैं चित्रगुप्त जी को मानने वाले लाखों की संख्या में हैं, तो आज के दिन सभी लोग हर मोहल्ले टोला से लोग आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें भी लोग भाग लेते हैं। सर, ऐसा भी माना गया है कि ये चित्रगुप्त पूजा जो है सो सिर्फ कायस्थ लोगों का नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का है जिनका रिश्ता जो है सो कलम के साथ है। सही बात है, क्योंकि चित्रगुप्त भगवान जो है कलम दवात के देवता है जी, और हर व्यक्ति जो कलम दवात का इस्तेमाल करता है जी, वो उनका आराध्य देव जो है चित्रगुप्त भगवान है। इसलिए किसी कायस्थ के लिए नहीं है, ये हर जाति के लिए, जो भी जाति जो आज के डेट में समझता है कि कलम का कितना महत्व है जी, उसके देवता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, कायस्थ एक संस्कृति है जिसका कि निर्वाह आज हमारे चित्रगुप्त समाज के महासचिव अजय वर्मा ने जो कार्यक्रम यहाँ करते हैं, ये समाज जो है आदि मंदिर हमारे जो मंदिर है, ये ऐसा कहीं भी संगठन नहीं है, ये पूरे बिहार और झारखंड का संगठन है जिसके कि महासचिव से अजय वर्मा जी हैं। और हम लोग यहाँ हर्षोल्लास के साथ हर एक साल के भांति इस साल भी चित्रगुप्त पूजा मना रहे हैं। और चित्रगुप्त पूजा जो आपने इससे पहले अजय जी से पूछा कि कलम दवात का है, जो आदमी कलम से जीविका उपार्जन कर रहा है उसके लिए आराध्य देव हमारे चित्रगुप्त भगवान ही है। चित्रगुप्त समाज अनिशावाद में अजय वर्मा जी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि कैस्ट के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो अपने अपने क्षेत्र में जो एक नाम अपना रोशन करते हैं, उसको हम इस समाज की ओर से आज के दिन प्राइज भी दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे को, महिलाओं को 5 तारीख को यहाँ खेल प्रतियोगिता हुआ था जो हर साल होता है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आसाम में होगा। तो ये पूजा जो होता है केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने हर क्षेत्र के बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए भी एक माध्यम ये स्टेज देता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।